व्हेल ओवर क्या है, क्यों होता है और ये कितना खतरनाक है हमारे किचन में भी हो सकता है, तो इसके जो है फायर हैजार्ड है इसके बारे में हम इसकी बात करेंगे। नमस्कार, मैं विजय दिया है और मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूँ बॉयल ओवर के बारे में। बॉयल ओवर क्या है, डेफिनेशन लेते बॉयल ओवर क्या है। बॉयल ओवर जब भी हम लिक्विड फ्लेमेबल, जो फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं जैसे पेट्रोल, केरोसिन, एडिबल ऑयल्स है, जो भी वो लिक्विड फ्यूल होते हैं, उसमें जब वो गर्म होते हैं तो वहाँ पे हम आग लगी होती है, वहाँ पे अगर हम पानी अप्लाई कर दें या वहाँ पे पहले से ही पानी उसके में मौजूद हो तब तो बॉयल होता है। बॉयल ओवर क्यों होता है, आप सबको पता हुआ है जैसे कि पानी की जो डेंसिटी है वो वेपर उसके तेल के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो जैसे हम किसी तेल के कंटेनर में पानी डालेंगे तो पानी नीचे जम जाएगा और तेल ऊपर फ्लोट करेगा उसके ऊपर, तो जब वो उसमें फायर इन्वॉल्व होती है तेल के अंदर, तो जो तेल गर्म होके जो उसकी जो हीट है वो नीचे तरफ निचली डायरेक्शन में जाएगी, जो वहाँ पे पानी मौजूद है उसको वो गर्म करेगी, गर्म करेगी तो 100 डिग्री टेम्परेचर पहुँचते ही पानी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है पानी तो एक के मुकाबले 1700 गुना तक अपना आकार बढ़ाता है, मतलब 1 लीटर पानी आपकी 1700 लीटर भाप बनाएगा, तो 1700 लीटर भाप जो होगी वो जाएगी कहाँ पे, ऊपरी तरफ निकलेगी, वेपर जो स्टीम होती है वो तेल के मुकाबले हल्की होती है जबकि पानी भारी होता है, तो बाहर निकलेगी तो जो भी उसका ओपन जो वहां से रास्ता होगा वहां से वो तेल को एक्सपेल कर देगी, बाहरी तरफ फैला देगी, और जो आग है वो बहुत स्पीड से फैलेगी, तो इसलिए ये जो पानी लिक्विड फ्यूल में मिक्स हो जाता है तो इसी के कारण हम बॉयल ओवर ये होता है। इसके हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे, किचन में कैसे हो सकता है, ये आपके रिफाइनरी में कैसे होता है, ये इवन कार के अंदर भी हो सकता है, जो कार के दौरान फायर फाइटिंग करते हैं वहां भी हो जाता है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है। बॉयल ओवर समझने के लिए आपको पानी की प्रॉपर्टी समझनी बहुत जरूरी है, पानी जो होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो तेल के मुकाबले ज़्यादा होती है, इसका मतलब जब आप एक बर्तन में तेल और पानी मिलाएंगे तो पानी हैवी होता है वो उसके निचली तरफ बैठे और जो तेल होता है वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, चाहे आप 1 ग्राम पानी डाल लें या 1 लीटर पानी डाल लें, तेल ऊपरी रहेगा और पानी नीचे रहेगा। उसके अलावा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पानी जो है 100 डिग्री टेम्परेचर अगर उसका बर्तन आप कर दो तो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर एक तीसरा टर्म और बहुत जरूरी है, जो पानी का एक्सपेंशन रेशियो, जो पानी हीट में उसमें स्टीम में कन्वर्ट होता है तो एक के मुकाबले 1700 गुना तक अपना भाप बनाएगा, मतलब 1 लीटर पानी को अगर आप गर्म करेंगे तो वहां पे वो 1700 लीटर आपकी भाप बनाएगा, पानी का एक्सपेंशन रेशियो इतना होता है। अभी हम ट्रेन का एग्जाम्पल देखेंगे, क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड ऑयल में हम देखें बॉयल ओवर कैसे होता है। क्रूड ऑयल जैसे आपको पता है जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ अशुद्धियों के रूप में पानी, गाद के रूप में थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, तब तो वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो जो वाटर है वो सेम रिएक्शन करेगा, वाटर वेपर बनाएगा और वेपर जो है वो उसकी आग को फैला देंगे। चलिए देखते हैं क्रूड ऑयल में आग कितनी स्पीड से फैलती है और कितनी खतरनाक हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन है, इस पे एक क्रूड ऑयल है, इसके अंदर आग लगी हुई है और जैसे मैंने आपको बताया क्रूड ऑयल में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, गाद वगैरह के रूप में आ जाती है, तो जो वेपर में जो पानी की शुद्धि होते हैं वेपर में कन्वर्ट होती है, तो आग कैसे फैलती है आप देखिए, जैसे आग लगी उसने जो तेल है उसको बाहर एक्सपेल करना शुरू कर दिया, बाहर फेंकना शुरू कर दिया और आग कितनी स्पीड से कितनी जल्दी फेंक ली। तो जब भी हम लिक्विड ग्लास की फायर फाइटिंग करें तो कभी भी वहां पर गलती से भी पानी अप्लाई नहीं करना है। कार में बॉयलिंग जो बॉयल ओवर है वो कैसे हैजार्डस होता है, कैसे उसके नुकसान हो सकते हैं, आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं कार है, उसमें आग लगी हुई है, उसमें फ्यूल है, पेट्रोल या डीजल या कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन जब वहाँ पे हमारे फायर फाइटर कर रहे हैं तो ये गलती क्या करते हैं, जो जेट है हमारा, जो वाटर जो जेट है वो इन्होंने तेल की टंकी के पास ले जाके उसको कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आग लगी हुई है, उसका जो ढक्कन हो सकता है वो पिघल गया हो, लेकिन इन्होंने जो गलती की है वो क्या की है, जो पानी है हमारा वो तेल के टैंक के अंदर इनकी इनकी जेट से गया है, तो जैसे ही वो अंदर गया है तो तेल ने वहाँ पे बॉयलर हुआ है और जो आग है वो रैपिडली फैल गई है। अभी आप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि हमारे फायर फाइटर लगे हुए हैं इसको आग बुझाने के लिए, तो इनके सीनियर ने इंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे पानी लगाओ, ये पीछे से इशारा कर रहे हैं, तो जैसे उन्होंने वहाँ पे किया तो पहले तो ये जेट इन्होंने डाल दिया अंदर, अब देखिए पीछे से अंदर से एक बाहर की तरफ थोड़ा सा पानी वापस आ रहा है, वो तेल हो बॉयल हो रहा, उसने वो बाहर फेंकना शुरू कर दिया और आग इतनी रैपिडली फैल गई, हमारे फायरमैन को भी इंजरी आई है, काफी जल गया वो, तो फायर फाइटर से रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप
कार की फायर फाइटिंग करे, तो जैसी गलती इन्होंने की है ऐसी गलती ना करें, और अपने जो जेट है उसको कभी भी डायरेक्शन उसकी तेल की टंकी तरफ ना करें, थोड़ा सा दूर रह के उसको सेफली डिस्टेंस मेंटेन करके वो करें। ये बोलो कभी भी हो सकता है, तो आपको चोट आ सकती है, ज्यादा बर्न इंजरी भी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखें। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो हमारे किचन में हमारे जो ऑयल पैन है उसमें हम कुछ तलते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, तो वहां पर गर्म तेल होता है। अगर उसमें हम आग लग जाए और, तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, अदरवाइज वहां पे बॉयल ओवर हो जाएगा और बहुत ज्यादा आग फैल जाएगी। अगर वहां पे आग नहीं भी लगी हुई है और गर्म तेल है, गर्म तेल के अंदर जैसे आप पीछे स्क्रीन देख पा रहे हो उस पर भी आपने पानी अप्लाई कर दिया, तो जो पानी गर्म पानी है, जो गर्म तेल है, उसमें पानी टच आते होते ही वो एक्सपेंड करेगा और तेल को बाहर छींटे साथ फेंक देगा, जो आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में आपको बर्न इंजरी हो सकती है। किचन के अंदर ये बहुत हैजार्डस है अगर उसमें आपने गर्म तेल के अंदर पानी अप्लाई कर दिया, तो इसका स्पेशली ध्यान रखें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।